जी मैं लक्ष्मण जी के पास आ रहा हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। लक्ष्मण जी, ये पिछड़े जी और दलितों के लिए क्या मंदिर ले जाना, पूजा कराना और उसके बाद झंडा उठवाना, क्या उनकी नियति यही है, या 69,000 शिक्षक बहाली में उनका हक, प्रोफेसर की बहाली में उनका हक, सरकारी वैकेंसी में उनका हक, सोफे पर बैठने का उनके विधायकों का हक, सोफे की जगह स्टूल पर बैठने के लिए वो नहीं चुन के भेजे जाते हैं, और मुख्यमंत्री बनाए जाने का उनका हक, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या जाति जनगणना मुद्दा नहीं है पिछड़ों दलितों के बीच? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक जी के मुद्दा है, इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन हो या विपक्ष के तमाम दल, चाहे वो बसपा हो या और दल, वो लगातार दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात हो रही है, उन उन सारी जातियों की बात हो रही है। अब मैं इस पूरे पूरे सवाल को एक थ्योरेटिकल ग्राउंड पर देखने की कोशिश करता हूँ। 90 का दौर जो था ना, वो 90 का दौर मैं ऐसा दौर मानता हूँ जिसके पहले का भारत कुछ और था और उसके बाद के भारत को बहुत कुछ बदलना वो देख सकते हैं। वो दो वजहों से, तीन वजहों से। एक मंडल आया, मंडल आंदोलन का दौर था जिसके खिलाफ यही लोग कमंडल लेकर आए थे। तो एक तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन रेखा है 90 का दौर, वो दूसरी तरफ नव उदारवादी नीतियां आई जिसने इस देश में पूंजीवाद के एक नए स्वरूप को जन्म दे दिया। उसने 90 के दौर में जो मंडलवादी राजनीति थी, जिसको लागू कराने के लिए कांशी राम लड़ रहे थे, ओबीसी के नेताओं के साथ साथ कांशी राम लड़ रहे थे, वो एक ऐसी एका बनी थी जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों की एका थी। जो भी नेतृत्व था वो मंडल के पक्ष में खड़ा था, बाकी लोग इसके खिलाफ खड़े थे। तो वो शुरुआती जो चीज थी जिसके लिए कहा गया कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है, लेकिन रजनी कोठारी ने उसे एक टर्म दिया कि नहीं, ये जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। तो वहां सब मिल करके एक बड़ी छतरी, बड़े अम्ब्रेला के सामने, बसपा में 85% लोगों बहुजनों की बात थी, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी अम्ब्रेला बनाई, बसपा ने अम्ब्रेला बनाई, और उन्होंने 3 दशक में अपनी सियासत को किया। 2017 तक आते आते हुआ क्या कि उनके बीच जो भी अंतर विरोध उभरे, दलितों पिछड़ों के बीच जो अंतर विरोध उभरे या सायास उभारे गए, मैं दोनों बात कह रहा हूं, उसको उजागर किया गया, उसको हवा दी गई। यादव बनाम गैर यादव ओबीसी, जाटव बनाम गैर जाटव ओबीसी, और उनके बीच झूठे आंकड़ों के जरिए कि देखो भाई 86 में 54 SDM तो केवल यादव हो गए, सारे SHO यादव हो गए, सारा लाभ यादवों का हो रहा है, सारा अत्याचार यादव कर रहे हैं, इससे ओबीसी को तोड़ा गया। और इसका एक समाजशास्त्री और सामाजिक आधार था। लक्ष्मण यादव जी, एक मैं मिनट, मैं बहुत बात पूरी कर लूं नहीं तो फिर रह जाएगा। बस ये आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं अभिषेक जी कि यह जो हुआ ना, इससे जो नाराजगी थी ऑलरेडी ओबीसी के निचले, जो अति पिछड़ी जातियां थी उनको गोलबंद करने में आसानी हुई, यही काम दलितों में गैर जाटो जातियों को गोलबंद करने में आसानी हुई, और उनको फिर शिफ्ट किसमें कर दिया गया, जातिगत आधार पर हुई विषमता और अन्याय को हवा देकर के अपने पाले में लिया गया, यह कहकर कि हम जातिगत न्याय देंगे, लेकिन मिला क्या, हिंदू राष्ट्र। तो ये एक धोखा जो पिछले 5 साल में मिला है, मुझे लगता है अभिषेक जी यह एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़े तबके को, दलितों पिछड़ों में, यह बात समझ में आई है कि वो केवल कंधा बने, वो इस्तेमाल हुए हैं। जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, बहुत साफ गोई के साथ मैं बात आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है ग्राउंड पर, वो क्या रहा है कि यादव समाज जो दिख रहा है पिछड़े वर्ग में, कि वो बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग सेट की गई है दलितों और पिछड़ों की, मौर्या, कुर्मी, बाकी समाज के, राजभर, दलित समाज के लोगों की, फील्डर कैच छोड़ रहे हैं, और ठाकुर साहब की जो बैटिंग कर रहे हैं उनकी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, और अंपायरिंग बैठ के RSS नागपुर से कर रहा है। तो क्या ये पिछड़े वर्गों को दिख नहीं रहा है कि हम जो कैच छोड़ रहे हैं सीधे सीधे, कि भाई विकेट मिल जाएगा उनको, तो ये विकेट मिलने से और विकेट का क्रेडिट बॉलर को मिलेगा उससे बचाने की सियासत जो हो रही है, क्या यही भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा रही है? क्या यही संघ के सवर्णवादी हिंदुत्व को फायदा नहीं पहुंचा रही है? और क्या यही ठाकुरवाद की जमीन नहीं बन रही है? बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, और आपने ये बात जो कही है इसके भी समाजशास्त्री जमीन तैयार है। कई बार होता ये है कि एक कहावत है ना कि जंगल की लकड़ियों ने कई बार कुल्हाड़ी का साथ इसलिए दे दिया क्योंकि वहां उनकी उस कुल्हाड़ी की मूठ में लकड़ी जो थी वो उन्हीं के बीच की थी। एक बहुत बड़ी अंतर विरोध, बहुत बड़ा जो अंतर विरोध उभरा सामाजिक न्याय की राजनीति में, वो यही उभरा कि जो उनके नाम पर गोलबंद लोग थे, जो सत्ता में काबिज हुए, उन्होंने अगर उनके भरोसे, उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो उन लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया में अपने विरोधियों के पक्ष में जाना उचित समझा। आज भी तमाम लोग उन्हीं के खेमे में बैठे हुए,
वहां भी डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया की बात करते हैं और हैं वो आरएसएस के छत्र छाया में, तो ये तो अंतर विरोध इस देश में है ही। हुआ ये है अभिषेक जी, की जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, मैं ये दावा कतई नहीं कर रहा हूँ कि पूरे ओबीसी समाज में चेतना जाग गई है, वह सांस्कृतिक व सामाजिक तौर पर सजग हो गया है और आरएसएस के असली चेहरे, असली ब्राह्मणवादी हेजमनी को पहचान गया है। मैं ये दावा नहीं कर रहा, न दलितों में यह एक तरफ सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो जन आंदोलन हुए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अभिषेक जी, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में है और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय को मंडल विरोधी आंदोलन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। हमने किससे सुने हैं कि यहाँ क्रांति चौक बनाया गया था मंडल विरोध के लिए, यहाँ बूट पॉलिश किया, उमा चक्रवर्ती की किताब जेंडरिंग कास्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि यहाँ लड़कियां तख्ती लेकर घूम रही थी, सवर्ण लड़कियां, कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। तो किताब को पढ़ा है मैंने। जी, तो वो जो जो दौर था उसको बदला किसने? रोहित बमुला की शहादत के बाद इस देश के कैंपसेज में एक बहुजन यूनिटी के रूप में कम से कम पढ़े लिखे नौजवान छात्र प्रोफेसर सड़क पर उतरे। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े होकर 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन किया, एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया, तमाम संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया। तो वो जो नौजवानों के बीच एक चेतना आई है ना, वो डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर लोहिया के बीच के रिश्ते, पेरियार के रिश्ते को, फूले के रिश्ते को पहचान रहा है, वो बात धीरे धीरे जनता तक जा रही है। वो अभी टाइम लगेगा लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलितों के बीच धीरे धीरे एक समझदारी तो बन रही है कि आरएसएस और बीजेपी घोर सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी पार्टी, ये पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ उनके खिलाफ है। तो एक उभार, एक चेतना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग अब सजग हो गए और एक तरफा बीजेपी को हरा देंगे, यह भी दावा नहीं किया सकता, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें शिफ्ट हो रही हैं। अगर आखिरी टिप्पणी अभिषेक जी, अगर इतना सब देखने के बाद भी हिजाब से लेकर के दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमान जिस तरह मारा जा रहा है, बुलडोजर किसके घर पर चला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोई भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी ऐसी नहीं रही जिसमें ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ऊपर न जा रहा हो, इस बार उन्होंने दोनों को बराबर कर दिया। रिजर्वेशन के कौन से कॉन्सेप्ट पर उत्तर प्रदेश की भर्तियां होती हैं जिसमें ओबीसी और एससी और एसटी और इनका कट ऑफ यूआर से ऊपर चला जाता है? यह अन्याय दिख रहा है, सब कुछ सामने है, अगर इतने के बाद भी वो लोग नहीं समझते हैं, वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पड़ते हैं, राम राज्य के चक्कर में पड़ते हैं, वो कैराना और कब्रिस्तान और साइकिल पर बैठ करके आतंकवाद फैलाने के ग्रस्त में फंसते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं ऐसे लोगों को, और फिर वो उनका शिकार होंगे। जी रविकांत जी, इस बात पर लक्ष्मण यादव जी ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। लक्ष्मण जी, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप गेस्ट टीचर हैं, और जिस प्रकार से परमानेंट टीचर की बहाली में डिस्क्रिमिनेशन की बातें हमारे बहुत सारे मित्र बताते रहते हैं कि जो होता है, कि किस प्रकार से कथित तौर पर यदि उनकी बातों पर यकीन करें तो झंडेवालान से लिस्ट आती है, ये हालात है कि परमानेंट किसे बनाया जाए, आप अंदर से ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन क्या सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और दलित वर्ग अपने आरक्षण को हिंद महासागर में दफन करने का काम खुद अपने हाथों से ही करना चाहता है, या फिर पिछड़ा वर्ग इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार है कि 7 मार्च के बाद वो खुद ये बात बोले कि अब पछताया हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत? अभिषेक जी, जो जितना मैं विश्वविद्यालय के भीतर की राजनीति को समझता हूँ, मुझसे बेहतर रविकांत जी भी समझते होंगे, वो भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप दोनों लोग भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तो रहे ही होंगे, प्रबल जी हैं और अभिषेक जी, तो सबको समझ में तो सब आता है कि क्या हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय अभी आया है ना हायर एजुकेशन का रिजल्ट, तो रेट सबको पता है कि अलग अलग विषयों में क्या कट ऑफ जा रही है, कितने नंबर के ऊपर पे कितना रेट है इंटरव्यू में 30 नंबर के लिए। ये वैसी सच्चाइयां होती हैं जो अमूमन जानते सब हैं, कैसा कोई नहीं है। तो विश्वविद्यालयों में बिल्कुल इसी तरह का एक खास किस्म का जातिवाद है, और मैंने तो थोड़ी कोशिश की, इसलिए थोड़े मेरे पास आंकड़े होते हैं, कई बार उसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे एक आंकड़ा मैंने 1 जनवरी 2020 तक के देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जुटाया, तो उसमें मैं और इसी के जरिए मैं आपके जरिए उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े आदिवासियों को ये कह भी रहा हूँ कि जरा आंकड़े भी देखो। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय का आंकड़ा मेरे पास आया, और पब्लिक डोमेन में, कोई भी आईटीआई लगा के ले सकता है। 2019 के आखिर तक ओबीसी प्रोफेसर शून्य थे, जीरो, और 2020 में आकर के वो केवल 9 प्रोफेसर हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में मंडल कमीशन 1931 की जनगणना पर कह रहा है कि आबादी 52% है। अगर मोटे तौर पर माने तो आधा देश ओबीसी का है
और देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी प्रोफेसर कितने? शून्य। वाइस चांसलर कितने? डेटा नहीं दिया हमारी हमारे आरटीआई का, तो पुराने डेटा को मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं 2018 के आखिरी दौर का, कि 596 कुल कुलपति हैं राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों को मिलाकर के, 6 दलित, 6 आदिवासी और 36 ओबीसी। 550 कुलपति किस जाति के हैं क्या बताने की जरूरत है? उन 550 में से 500 कुलपति किस जाति के होंगे सवर्ण तबके में भी, क्या इसको भी बताने की जरूरत है? उस उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के एकेडमिया पर किस कौन काबिज रहा, लेफ्ट राइट सेंटर। यादव जी मैं छोटी सी गड़बड़, माफ कर दीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ मेरे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय मनमोहन सिंह के समय में खुला, उनकी ड्रीम थी चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी मेरे होम टाउन में। उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक उस पार्टी के एक बड़े, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, कुमार विश्वास के भाई को बनाया गया। कुमार विश्वास के भाई की कौन सी एकेडमिक एक्सेलेंस है हमें कोई बताए? वो वहां पर वाइस चांसलर है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है कि उनकी डिग्री फर्जी है। ये तो ये फर्जी डिग्रीधारी लोग, एक तथाकथित कवि के, खुद को अन्ना आंदोलन का दिनकर और दुष्यंत कुमार समझने वाले लोग, और एक मुख्यमंत्री को स्वीट आतंकवादी कहने वाले व्यक्ति का भाई भाई होना ही उसकी एकमात्र योग्यता है, वो वाइस चांसलर है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक आपने बताया, ऐसे ही रिश्तेदारी खोजी जाए तो इस देश का 80% एकेडमिया तो रिश्तेदारों से भरा है, और अब एक नया परिवार जो बना है ना, संघ परिवार, अब उस परिवार के बहुत सारे लोग कुलपति से लेकर के प्रोफेसर बन रहे, ये अभी सच किसी से छिपा नहीं है। नंबर एक बात, नंबर दो बात, ये तो रही एकेडमिया की बात, लेकिन असल में हो ये रहा है ना, जो बात मैंने पिछली टिप्पणी में कही थी उसी का विस्तार दे रहा हूं। हमारे यहाँ एकेडमिया में पढ़े लिखे लोगों में धीरे धीरे एक समझदारी आई, वो चेतना बनी कि भाई जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, बीके खापड़े बाम सेब के अगुआ थे, और वो एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य बोला है उन्होंने कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट सामाजिक ध्रुवीकरण है। तो अब कई बार लोग कह देते हैं कि वह अभी तो एक किस्म का बहुसंख्यकवाद है, जैसे जाति जनगणना का विरोध कौन सी जाति के लोग कर रहे हैं ये अभी किसी से छिपा नहीं है। इंटरव्यू में बैठकर कौन इंटरव्यू में नंबर कम दिया, जेएनयू से लेकर डीयू और अभी लखनऊ विश्वविद्यालय से रविकांत जी बैठे हुए हैं, अभी पीएचडी का आया है, उसमें ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया है और ओबीसी कैसे वहां पर नदारद है, इस पर कौन बात करता है? एनएफएस हुआ अभी जीबी पंत में, कौन नहीं जानता? तो ये करने वाला कौन था? वो सारे लोग जो लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट भी थे, वो सारे संघी नहीं थे, संघी तो पिछले 10 साल में आए हैं, ये सारे अकेडमिया में बैठे तो कांग्रेस ही थे, लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थे, और जाति इनके भीतर कैसे काम करते? नंबर एक बात। नंबर दो बात ये अभिषेक जी कि यह सब कुछ हो रहा है तो ये छिपा नहीं है। दलित पिछड़े भी चाह रहे हैं कि भाई हिस्सेदारी हमें यहां नहीं मिली, सपा में नहीं मिली, बसपा में नहीं मिली, तो भाजपा में भी जाके ले रहे हैं। अंत में हासिल क्या हो रहा है? हिस्सेदारी के नाम पर इस्तेमाल किया भाजपा ने। राम मंदिर ट्रस्ट का बात आई तो मैं जोड़ दूं, कल्याण सिंह की गति क्या हुई, क्या क्यों कल्याण सिंह जिंदा थे उस समय, क्यों नहीं बुलाया? अरे मस्जिद गिरवाने वाला, श्रेय लेने वाला एक लोध, राजपूत कहते हैं वो लोग अपने आप को, लोध थे, ओबीसी थे, क्यों नहीं उनको उनकी क्रेडिट दी? उमा भारती कौन थी? वो तो समझ नहीं थी। तो उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, कल्याण सिंह, ये सारे राम मंदिर के अगुआ लोग थे, तो केवल लाल कृष्ण अडवाणी का अपमान नहीं हुआ, राम मंदिर के नाम पर जो कुर्सी पाए वो मोदी और योगी पाए। तो नंबर एक बात, दलित पिछड़ों को कुछ मिला नहीं, पुजारी भी नहीं बनेंगे, चंदा सब कौन ले जाएगा, एक बात, वहां ऑलरेडी एक आरक्षण है। दूसरी बात, यह बात लोगों को समझाने की जरूरत है कि हम अपने विचारधारा से नहीं जोड़ पाए, हमने बाम सेब का जो काम था ना, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, उसको थोड़ा पीछे किया और राजनीति को सब कुछ मान लिया, तो राजनीति अब कुर्सी जीतने के लिए कई बार पद भ्रमित भी हो जाती है। और ठीक बात कहा प्रबल जी ने कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, और मैं तो अपनी अपने को शामिल करके एक अपराध बोध के साथ एक बात बोलता हूं कि हमारे बहुजन तबके के सामाजिक न्याय के संविधान को मानने वाले लोगों ने कुछ अपनी जिम्मेदारियां मेहनत और ईमानदारी से नहीं निभाई, हमने इस देश के नागरिक बोध को संविधान वाला नहीं रचा, जाति से ऊपर उठ करके न्याय वाला नहीं रचा, हम दोषी हैं उसके। और अगर आज भी हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी बात समझाने में नाकामयाब हो गए तो उस पूरे गुनाह के दोषी हम भी हैं। मगर एक बात और जोड़ दूं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं, प्रबल जी ने कहा कि लोग जाति देखते हैं, मैं इससे असहमति भी दर्ज कराता हूं, सहमति के साथ असहमति, सहमति इस बात की कि हाँ जातियां देखी जाती हैं, ये इसलिए क्योंकि पुरुष अगर पैट्रियार्की के खिलाफ बोलता है और वही महिला बोले तो ज्यादा न्यायप्रिय, ज्यादा तटस्थ बात महिला की मानी जाएगी। आदिवासी जो लड़ाई लड़ रहा है ना,
जैसे मुसलमान, इस समय मुसलमान पर जितना हमला हो रहा है, केवल मुसलमान उसके खिलाफ नहीं लड़ रहा, हिंदू भी लड़ रहे हैं, सो कॉल्ड हिंदू भी लड़ रहे हैं ना। तो उसके लिए अब हिंदू ये कहें कि मुसलमानों के आंदोलन का नेता भी हम बनेंगे, आदिवासियों का नेता भी हम बनेंगे, नहीं बनने की जरूरत है। थोड़ा दिल बड़ा करें, जैसे पुरुषों को दिल बड़ा करने की जरूरत है जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने में, कि आप महिलाओं के पीछे खड़े हो, महिलाओं को अगुवाई दो, वो लड़े, आप उसको हिम्मत दो। वैसे ही इस देश के समर लोगों को जो लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं और वाकई संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज उनको हिम्मत देना होगा। और प्रबल जी बात में आपने बिल्कुल ठीक कही, हमने तो डॉक्टर लोहिया को अपना नेता माना, जो उस जाति से नहीं आते थे जिसके नाम पर उन्होंने हक हक की बात कही है। हमने वीपी सिंह को भी माना है, हमने जो है अर्जुन सिंह को भी माना है, हमने तमाम लोगों को माना है। हाँ, अभी आपकी इस वाली बात से सहमत है कि अभी अपने समाज को हमें और ज्यादा समझाने की जरूरत है, कोशिश की जा रही है, इससे आपकी सहमति है। और हम अगर नहीं समझा पाए तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो गुनहगार कम है, जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज्यादा बड़ा गुनहगार है। हमारे उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े आदिवासी 69,000 शिक्षक भर्ती 13 पॉइंट रोस्टर SC/ST एक्ट, रोहित जमुला पाल तड़वी और फातिमा लतीफ से लेकर के आदिवासियों पर जितने अत्याचार अन्याय हुए हैं, अगर ये भूल करके केवल मंदिर मस्जिद कहराना हिंदुस्तान पाकिस्तान और साइकिल से आतंकवाद फैलाना इन सारी चीजों पर वोट देंगे तो फिर वो इसके शिकार होंगे। हमें वो कोशिश करनी है, और अगर हम नहीं 22 में नहीं सत्ता बदली तो फिर कोशिश करना पड़ेगा। पता नहीं तब तक संविधान कितना बचेगा, सामाजिक न्याय कितना बचेगा।